जम्मू कश्मीर बीजेपी दफ्तर में आज स्टेट ऑफिस बेयर की मीटिंग शुरू हुई। इस मीटिंग में जी किशन रेड्डी, जम्मू कश्मीर इलेक्शन इंचार्ज तरुण चुग, जनरल सेक्रेटरी ऑफिस पार्टी इंचार्ज जम्मू कश्मीर आशीष सूद और इंचार्ज जम्मू कश्मीर मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बीजेपी सदर जम्मू कश्मीर रविंद्र रैना भी मौजूद रहे। इस मीटिंग में कल जम्मू में होने वाली बीजेपी की वर्किंग मीटिंग की मीटिंग को लेकर चर्चा की गई। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर में होने वाले आगामी असेंबली इलेक्शन पर चर्चा की गई। इस मौके पर तरुण चुग, जनरल सेक्रेटरी ऑफिस पार्टी इंचार्ज जम्मू कश्मीर, ने कहा कि आज की मीटिंग जम्मू कश्मीर में होने वाले असेंबली इलेक्शन को लेकर बातचीत हुई है। उन्होंने उमर अब्दुल्ला पर भी निशाना साधा और कहा कि अब इन परिवारों का राज खत्म हो चुका है, तभी दोनों चुनाव हार गए हैं। वहीं इस मौके पर बोलते हुए जी किशन रेड्डी ने कहा कि वो पहली बार जम्मू कश्मीर आए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी आने वाले दिनों में असेंबली इलेक्शन के लिए तैयार है। चुनाव के बाद हम स्टेट के प्रमुख कार्यकर्ताओं का कार्यकारिणी बैठक करने का तय किया है। उसी सिलसिला में सभी स्टेट्स में प्रमुख नेतागण जा रहे हैं। उसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कल इधर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे और उसके साथ साथ चुनाव के बारे में जो पार्लियामेंट चुनाव का रिव्यू करेंगे, जो हमारा नरेंद्र मोदी सरकार तीसरा बारा है उसके बारे में बताएंगे और इसके बाद आने वाले विधानसभा चुनाव को भी मार्गदर्शन करेंगे।